हिंदुस्तान में जिस जमीन से सबसे ज्यादा शहीद हुए, मातृवतन की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाली यह जमीन, इसके लिए हमारे फिरोज खान जी जो हमारे महाभारत के अर्जुन अभी आप पधारे हैं, उनका आज की इस हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन में उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। ये एक सीरियल महाभारत में हुआ करता था, जाने माने एक्टर हमारे बीच बॉलीवुड के चिरपरिचित सुपरस्टार है भाई अर्जुन फिरोज। आप महाभारत में अर्जुन जैसे सशक्त किरदार का निर्वहन आपने किया था और उसके अलावा 350 से ज्यादा फिल्मों में आपने काम किया है। आपका शेखावाटी की इस जमीन पर, सर जमीन पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आदरणीय राजेंद्र, आपका अभिनंदन करने के लिए मैं आदरणीय राजेंद्र सिंह जी गुड़ा को आमंत्रित करता हूं। आपका भाई अर्जुन भाई का साफा पहना कर और माल्यार्पण करके अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारी शेखावाटी धरती पर महाभारत के अंदर आज भी इनको अर्जुन के नाम से जाना जाता है। फिरोज खान भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। एक नेता है, एक अभिनेता है, महाराष्ट्र की जनता धरती से हमारे चल के राजस्थान की इस पावन धरा पर आपका हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा शानदार स्वागत, इसके लिए आपको बहुत बहुत अभिनंदन। देखिए कल शाम को 5 बजे प्रचार बंद हो जाएगा, मात्र 24 घंटे का आपके पास समय है। उसके बाद में आप सारे कार्यकर्ताओं को ये राजस्थान का इतिहास बनाने का समय है। आज आपको बताना चाह रहा हूं, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को आना था, लेकिन वहां जो मराठा आरक्षण का कुछ हमारे राजनीतिक ओबीसी आरक्षण के कुछ ऐसे घटनाएं चल रही है, जिसकी वजह से हमारे महाराष्ट्र के शिंदे साहब मुख्यमंत्री जी को हम सोच रहे थे कि 21 को आ जाएंगे या 22 को आ जाएंगे, 23 को उनका कार्यक्रम नहीं बन पाया। और हमारे उनके सबसे विश्वास पात्र सरकार के अंदर सबसे ज्यादा उनके राइट हैंड हमारे सावंत साहब यहाँ पधारे। मैं सावंत साहब आपको बताना चाह रहा हूं, ये जितने लोग आपके सामने बैठे हैं ये राजेंद्र गुड्डा के दोस्त हैं। गुड्डे थारे भाई लोग, पीछे से आवाज दी गई, गुड्डे थारे भाई लोग, गुड्डे थारे भाई लोग, संतरे बोले संतरी ना, संतरे बोले संतरी ना, बुड्ढी बोली बुड्ढा ने, बुड्ढी बोली बुड्ढा ने, किसमिस बोली काजू ने, जबरदस्ती माता की। देखिए ये राजस्थान में हिंदुस्तान की होट सीट हो गई है, आप लोगों की दोस्ती, आप लोगों की दोस्ती और मेरे अजीज महाराष्ट्र से चल के यहां पर आपकी इस सरजमी पर आए हैं। मैं बताना चाह रहा हूं, इस चुनाव के ऊपर हिंदुस्तान की पूरे की नजर है। हमारे मुख्यमंत्री जी को 45 साल हो गए राजनीति में, आज तक उन्होंने कहीं किसी को गोद वोद नहीं लिया, उपेंद्र भाटी को गोद लिया। अरे मैं बताना चाह रहा हूं,
मुख्यमंत्री जी आपकी जब जलवा हो रही थी तो आपने नहीं पूछा, आपके बांध बंधे रहे थे आपने नहीं पूछा, आपकी शादी की बारात में भी नहीं पूछा, और अब जनाजे के टाइम में गोद ले रहे हो। तो आपको बताना चाह रहा हूं मेरे दोस्तों, ये राजस्थान के अंदर इतिहास बनाने का समय है और इसके लिए महाराष्ट्र से पर महाराष्ट्र की सरकार की है तो दिल्ली की सरकार की भी टकटकी है, तो राजस्थान की सरकार की भी टकटकी लगी हुई है इसके ऊपर। एक 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 व्यक्ति एक एक दोस्त अपनी पूरी ताकत के साथ प्यार मोहब्बत के साथ इस लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण मेले के अंदर राजस्थान की तकदीर को लिखने का फैसला लिखने का समय आ गया है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी यहां भाषण देने के लिए आ रहे हैं बार बार, कल शायद यही चौरा इसी मैदान में उनकी दोबारा मीटिंग भी हो सकती है। मुख्यमंत्री जी का चैलेंज आपको स्वीकार है क्या? स्वीकार है? दोनों हाथ उठा के सांवर साहब का कदम स्वीकार है। ये शेखावत की सर जमीन चैलेंज स्वीकार करती है राजस्थान के मुख्यमंत्री आपका। और आज आपको बताना चाह रहा हूं इस जमीन से पूरे राजस्थान की राजनीति को बदलने का काम किया जाएगा। अब राजनीति के फैसले जनता करेगी, आम जनता। किसी के साथ नौजवान के साथ अन्याय नहीं हो, आरपीएससी में पेपर आउट नहीं हो, नाती का वाड़ा बना रखा आरपीएससी को। अरे गोविंदो टासरा का सारा टॉपर एसटीएम डिप्टी बन जाए और गरीब का टॉपर रह जाए, इसका इलाज करने का समय आ गया है। आपके भाई ने माता बहनों के लिए राजस्थान की असेंबली में जो आवाज उठाई थी और उसके एवज में आपके भाई को मंत्रिमंडल से बाहर बर्खास्त करने का काम किया, उसका इलाज करने का समय आ गया। 25 तारीख आने वाले समय में मैं सावंत साहब आपको विश्वास दिलाता हूं, हम इस राजस्थान की धरती पर ऐसा राजनीतिक बदलाव लेके आएंगे इस नौजवान की ताकत के ऊपर, इस माता बहन की पावर से, कि आपको यहां से ताकत मिलेगी पूरे महाराष्ट्र में। और आपको बताना चाह रहा हूं, जैसे आप शिवसेना के लिए हम जो काम करेंगे गरीब के लिए, अकलियत के भाई के लिए, माता बहनों के लिए, नौजवान के लिए, 36 को हिंदू मुसलमान मुस्लिम हर समाज के हर धर्म के लोग विराजमान है, यहाँ हर जाति का व्यक्ति वहां विराजमान है, वाल्मीकि समाज से लेकर ब्राह्मण समाज, 36 कौम की है हमारे दोस्तों की। आपके सामने ये छोटी सी कार्यकर्ताओं की फौज आपके सामने है और आपको बताना चाह रहा हूं ये कार्यकर्ताओं की फौज आने वाले टाइम में पूरे राजस्थान के अंदर आपके शिवसेना का ये तीर है, तिरक बाण है, ये पूरे राजस्थान में फैल जाएगा। थप्पा मारो तान के तीर के निशान पे, थप्पा मारो तान के तीर के निशान पे, थप्पा मारो तान के तीर के निशान पे, थप्पा मारो तान के तीर के निशान पे। मेरे नौजवान साथियों, सावंत साहब आपको बताना चाह रहा हूं, एक भी व्यक्ति को मैंने इस कार्यक्रम के लिए फोन नहीं किया, एक भी व्यक्ति को आज के कार्यक्रम के लिए
एक भी नया साधन लगाया नहीं है। ये वो लोग है जो लगातार क्षेत्र के अंदर पूरी ताकत के साथ अपने बूथों पर काम करने वाले लोगों की फौज है। ये पिछले 20 दिन से 25 दिन से ये पूरी की पूरी फौज हर गांव गांव में ढाणी ढाणी में बूथ में नगर पालिकाओं में अपनी अपनी जगह पूरी ताकत के साथ राजस्थान सरकार की स्थानाशाही और नौजवान के खिलाफ जो फैसले करे उनके खिलाफ माता बहनों के खिलाफ क्या किया था हमने। सिर्फ असेंबली में ये कहा था गहलोत साहब अपने गिरेबान में झांक के देखिए। मणिपुर की घटना जिसकी चिंता हमारी सरकार कर रही थी हमारे विधायक असेंबली में कर रहे थे। राजस्थान महिला दुष्कर्म में पहले पायदान पर आके हमारे प्रदेश का शानदार इतिहास जिसको कलंकित करने का काम ये सरकार कर रही थी हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए और हमने सरकार से कहा था मुख्यमंत्री महोदय अपने गिरेबान में झांक के देखिए किस मुंह से हम माता और बहन के पास जाएंगे। मात्र 13 सेकंड का मेरा स्पीच और उसके बाद में राजेंद्र गुड्डा को बर्खास्त। आज से 14 महीने पहले मुख्यमंत्री जी मेरे घर आए थे। 2 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री जी घर आए थे बेटे के जन्मदिन के ऊपर और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि राजेंद्र गुड्डा नहीं होता तो आज मेरी जगह मुख्यमंत्री को होता। अरे कई ही कन्हैया बात। और उसके बाद में फुल्ली फूल गिर गैल का दिन भूल गई। बताना चाह रहा हूं मैं आपको जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने फैसले किए मैं आपको विश्वास दिलाना चाह रहा हूं सांसद साहब ये हमारा नौजवान कार्यकर्ता पूरे राजस्थान के अंदर इस त्रिशूल को फैलाने का काम करेगा तिरक बाण को चलाने का काम करेगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए हमारा ये माँ मनसा की धरती है ये शाकंभरी माता की धरती है ये राव शेखा की धरती है ये पीरू और फकीरों की धरती है ये शहीदों की धरती है ये किसानों की धरती है ये 37 कौम के लोगों का ये भाईचारा है। किस तरीके से हमारे अमन चैन को खराब किया गया था किस तरीके से हिंदू मुसलमान के अंदर दंगे कराने की कोशिश की गई थी। मैं तो आपको एक बात बता मेरी बात को विराम देना चाह रहा हूँ। हम रोज बात करते रहते हैं अभी हमारे अजीज मेहमान हमारे प्यारे मेहमानों को हमारे मुख्य अतिथि और हमारे नेता और अभिनेता को हम सुनेंगे 2-3 नारों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाह रहा हूँ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ थप्पा मारो तान के तीर के निशान पे हमारे सभी कार्यकर्ताओं का हाथ ऊपर उठा के और आवाज आनी चाहिए थप्पा मारो तान के थप्पा मारो तान के तीर के निशान पे थप्पा मारो तान के तीर के निशान पे। धन्यवाद बहुत आभार मंत्री महोदय। निश्चय सावत साहब और कैप्टन साहब पधारे भाई अर्जुन फिरोज खान जी पधारे जैसे आदरणीय मंत्री महोदय ने कहा कि आपका जो तीर कमान है ये वीरों का आभूषण तीर कमान इस राजस्थान के हर वीर के हाथ में आगामी 5 साल में होने वाला है और कमजोर की हिफाजत करने का काम ये तीर कमान से हम लोग करने वाले। फिरोज भाई पधारे मंत्री महोदय के विषय में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं राजस्थान की विधानसभा में एकमात्र ऐसे विधायक जो किसी राजनीतिक दल के दलदल में फंस के नेता नहीं बनते बिना किसी राजनीतिक दल के और इन्होंने 4 बार चुनाव लड़े 3 बार ये जीते 2 बार मंत्री रहे। ये ताकत जो है वो उदयपुर वाटी की जनता इनको देती है और उस ताकत से पूरे राजस्थान के गरीब गुरबों का भला करने का काम राजेंद्र जी गुड़ा करते छोटी छोटी जातियों का प्रजातंत्र में कोई धड़ी धोरी नहीं है
उन छोटी छोटी जातियों का अगर कोई राजस्थान में धड़ी गौरी है उनके हुए उनके खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ अगर कोई लड़ता है राजस्थान में तो वो राजेंद्र सिंह गुड़ा है। आगामी वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं बॉलीवुड एक्टर और मैं कैप्टन अभिजीत सिंह अभिजीत जी से निवेदन करूंगा कि आप पधारे और अपना संबोधन हम सब लोगों को दिलाएं। एक बार जोरदार तालियों से आए मेहमान का इस्तकबाल कर दीजिए आप। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी, शिवसेना के मुख्य नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहब, इनको अभिवादन करता हूं। आप सभी के चहिते उदयपुर वाटी के और राजस्थान के शिवसेना के एकमेव प्रत्याशी राजेंद्र सिंह गुड़ा जी, महाराष्ट्र से खास करके जिस तरह से गुड़ा साहब ने बताया कि मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मुख्यमंत्री जी के राइट हैंड हमारे महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री जी सामंत और अभी थोड़ी देर पहले जो इस राष्ट्र में नहीं पूरी दुनिया और आज का हमारा जो चुनाव चिन्ह जिन्होंने चलाया धनुष बाण तीर कमान वो हमारे अर्जुन जी। यहाँ पर मौजूद राजेंद्र सिंह गुड़ा जी के सारे मित्र परिवार, सारे मेरे भाइयों, सारे मित्रों, आज खास करके मैं और उदय सामंत जी गुड़ा साहब के लिए यहाँ पर पधारे हैं। कई महीनों से सिर्फ राजस्थान में नहीं तो पूरे भारत ने देखा है और जिसका जिक्र ये पूरे इलेक्शन में हो रहा है और उसका नाम है लाल डायरी, लाल डायरी, लाल डायरी। और मुझे लगता है ये लाल डायरी आज ये सरकार को नीचे गिरा कर रहेगी। लाल डायरी नीचे गिर गई थी उनके घर से, उसी तरह से ये सरकार भी वहां पर गिरने वाली है। राजेंद्र सिंह गुड़ा जी, आपने बताया पिछले 9 सितंबर को 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जी आपको मिलने आपके घर पर आए थे और मैं कहना चाहता हूं गुड़ा जी का सौभाग्य इतना अच्छा है हर साल उनके घर पे कोई भगवान का आशीर्वाद गुड़ा साहब पर है और मुझे लगता है आप सब यहां पर जो मौजूद है उनका भी मैं और जो उदयजी सामंत बैठे थे भीड़ इकट्ठा होती है, लोग भीड़ इकट्ठा करते हैं, लोग आते हैं वहां पर बैठते हैं, भाषण चालू होते हैं, लोग सुनते हैं, किसी की छूटक नहीं निकलती और निकल जाती। पर जब सही मायने में जिस तरह से गुड़ा जी ने बताया जहां गुड़ा जी से पदाधिकारी है वोटर तो अभी बाकी कार्यकर्ता इतने बड़े पैमाने पर यहां पर आने वाले हैं, आए हुए हैं। तो मैं जानता हूं आने वाले 25 तारीख को जितने भी वोट होंगे उसमें ज्यादा से ज्यादा वोट सिर्फ राजेंद्र सिंह गुड़ा जी के नाम पर होंगे और ज्यादा से ज्यादा वोटों से हमारे गुड़ा साहब फिर से एक बार सिर्फ विधायक नहीं जिस तरह से पहले उनके समय में मंत्री थे उसी तरह से आने वाले समय में भी मंत्री ही बनकर रहेंगे। वक्त किस तरह से आता है राजनीति में बता नहीं सकते, कौन कब मंत्री बन जाए, कौन कब मुख्यमंत्री बन जाए, किसकी जरूरत कैसी कब आ जाए। और यहाँ पर एक ही हुकुम का सिक्का है शिवसेना का पूरे राजस्थान में और वो है राजेंद्र सिंह गुड़ा जी।
मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, हमारे अर्जुन जी पर यहाँ पर है, हमने टीवी पर देखा है, जब टीवी पर देखते थे हम तो छोटे थे, बचपन से देखते आए हैं, सारे रास्ते खाली हो जाते थे, लोगों के घर घर से सिर्फ एक ही आवाज आती थी, महाभारत। और जब पांडव की एंट्री होती थी, हमारे घर घर की औरतें हाथ में कुमकुम तिलक करने के लिए टीवी को तिलक करती थी। तो आज वो हमारे बता रहे हैं, हमारा सौभाग्य है। और आपको ये भी जानना होगा, इसी से आपको पता चलता है कि गुड़ा जी का व्यक्तित्व क्या है। और जो आदमी मंत्री था, एक बात खास करके मैं कहना चाहता हूं, एकनाथ जी शिंदे साहब और राजेंद्र सिंह गुड़ा जी में दो चीजें, दोनों में एक चीज समान है, दोनों में एक चीज समान है, और वो ये है, दोनों के दोनों मंत्री थे, दोनों के दोनों मंत्री थे, पर जब गलत बातें हो रही थी तो मंत्री बनते गए। महाराष्ट्र सिंह साहब ने विद्रोह करके बाहर निकल के फिर से सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बन गए। वही चीज यहां दिख रही है, आने वाले समय में राजस्थान में इन्होंने भी विद्रोह किया, आज खास करके शिवसेना के साथ जुड़ गए, एकनाथ जी शिंदे साहब के साथ जुड़ गए। माननीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी का आशीर्वाद आपके साथ है, बाला साहब ठाकरे जी का आशीर्वाद आपके साथ है। और आने वाले मैं तो कहता हूं फिर से एक बार, गुड़ा जी आप भी विद्रोह करके आप आगे बढ़े हो, आप भी जरूर अच्छी जगह पर जाओगे, यहाँ पर राजस्थान में मंत्री बनोगे, यही मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। और फिर से एक बार यहाँ पर आए हुए सदस्य, आप लोग यहाँ पर 24 तारीख आएगी, 24 को रात को खास करके बड़े पैमाने पे लोग निकलेंगे पैसा बांटने के लिए, आप सभी को ध्यान रखना होगा, विपक्ष के जो भी वहां पर आते हैं उनको वहां पर पकड़ना होगा, और रात को सो गए इसलिए सुबह जल्दी नहीं उठे तो वैसा भी नहीं चलेगा, सुबह जल्दी उठना होगा। हमारे में कहा जाता है दान जो होता है, मतदान है हमारा, जो 25 को मतदान होने वाला है, शायद 5 बजे तक होगा, शाम को 6 बजे तक है, सुबह 7 बजे से 6 बजे तक होगा। हमारे में कहा जाता है सबसे पवित्र दान क्या है, मतदान है। जिस तरह से हमारे में कहा जाता है कन्यादान एक पवित्र दान है, हम जब मंदिर में जाते हैं तो भगवान की पेटी में जो दान करते हैं वहां पर एक दान करते हैं जो भगवान के लिए करते हैं, और इसी तरह से ये मतदान सबसे बहुत अहम है हमारे लिए, क्योंकि यहीं से हमारी नींद जाती है, हमारे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, हमारी महिला की रक्षा तक, ये सारी चीजें वही दे पाता है जो चुन के आता है। और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह से यहाँ की जनता जिस तरह से जमा है यहाँ पर, जिस तरह से आप कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ हमारे गुड़ा साहब के पीछे खड़े हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि भारी से भारी वोटों से राजेंद्र सिंह गुड़ा जी का विजय हो। पर बीच है, मैं आमंत्रित करूंगा आप सब लोगों को उद्बोधन के लिए, आदरणीय अर्जुन भाई पधारे और अपना उद्बोधन हम